गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड 7 साइंस चैप्टर 11 डे 14। हम पढ़ रहे थे ट्रांसपिरेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन, देन कैसे हम सांस लेते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। देन हार्ट पढ़ेंगे, द हार्ट इज एन ऑर्गेन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। द हार्ट वर्क लाइक ए पम्प वर्किंग नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ। द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी विद द लोअर टिप स्लाइडली टाइटेड टूवर्ड द लेफ्ट। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज रफली इक्वल टू आवर फिस्ट। फिस्ट मतलब हमारे मुट्ठी जो होते हैं, मुट्ठी बराबर ही रहते हैं हार्ट। अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। द हार्ट इज एनक्लोज इन ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स स्केक्स कॉल्ड पेरिकार्डियम। द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड आर्ट्रिया देन और ओरिकल्स एंड 2 लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज ऑक्सीजन रिच ब्लड कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर्स द राइट साइड ऑफ हार्ट हैज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑल्सो कॉल्ड डीऑक्सीजनेट ब्लड। द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज कम्प्लीटली स्प्रेटेड सेपरेटेड फ्रॉम इट राइट साइड बाई मीन्स ऑफ ए पार्टीशन वॉल कॉल्ड सेप्टम्स विच प्रिवेंट आवर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेट ब्लड विद द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये दोनों हमें अलग अलग रखती है दोनों को ब्लड को। अब ये पूरे हार्ट के आपको फिगर बता रखा है कि कौन सा क्या है, पल्मोनरी वेन्स राइट आर्टेरियम ये सब बता रखा है। देन ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाई रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्केमेटिक डायग्राम गिवन इन नेक्स्ट पेज। व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स देन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर द ब्लड। द ब्लड इज नाउ ऑक्सीजन रिच कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इन टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। When the left atrium contacts the oxygenated blood is pushed into the left ventricle. When the left ventricles contract, it pumps oxygenated blood into the main artery called aorta. The aorta branches into many arteries which supply oxygenated blood to all organs of the body. अभी इसमें पूरा बता रखा है कि कैसे कैसे blood circulation करता है, कैसे कैसे क्या क्या होके वो चलता है। यस, देन व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द बॉडी ऑर्गन देन इट गिव्स फूड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंटर द ब्लड थ्रू कैपिलरीज। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन एंटर्स द राइट आर्टेरियम। थैंक यू।